दोनों यारों यानी देव और वीरू मेरा दोनों मिलके मिट्टी लगा रहा है कढ़ाई के ऊपर। देखने में तो लग रहा है हलवा बन रहा है और पानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है इसमें हम लोग सारे बच्चे मिलके मैगी पार्टी करने वाले हैं और बहुत सारा इंजॉयमेंट होगा, मस्ती होगा, डांस होगा। तो ब्लॉग पे पूरा एंड तक बने रहे और ब्लॉग को एंजॉय करिए। फाइनली गाइस, अपना पोते भी आ चुका है और पोते के हाथ में है सॉस, यानी कि आप सॉस देख के समझ सकते हो कि अभी हम लोग बच्चा पार्टी लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। जस्ट मेरे हाथ में एक चीज, घर के नीचे ही मनाएंगे हम लोग और अभी बनेगा टेस्टी सा। अच्छा, माचिस भी है तो टेस्टी सा मैगी विद केचप वाला सूखा मैगी। मुन्नू यहाँ पे बैठी हुई है, चोट लग गया मुन्नू, कैसे? तो गाइस चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आज। क्या चाहिए? और ये रहा मैगी। फीस भी लाएगा? फीस ये हो, यहाँ पे सारा सामान है। अब चूल्हा बनाना है, उसके बाद बनेगा मैगी। डी क्या कर रहा है? कोयला रखेंगे इसमें। हाँ, कोयला 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 रखेगा उसमें। कोयला इसमें जमा रहेगा तो जलेगा। अच्छा, जब लकड़ी खत्म हो जाएगा तो। अच्छा अच्छा, दोनों यारों यानी देव और वीरू मेरा दोनों मिलके मिट्टी लगा रहा है कढ़ाई के ऊपर ताकि कढ़ाई खराब ना हो। दोनों प्यारा प्यारा दोस्त, क्यूट क्यूट दोस्त। चलो लगाओ। हाँ, एकदम आराम से प्यार से। फाइनली चूल्हा तैयार हो गया है और इसके ऊपर अब कढ़ाई रखेंगे, आग जलाएंगे और फिर बनाएंगे मैगी। वहाँ पे रखो ना, वहाँ पे वहाँ बढ़िया से रखना, अच्छे से। मैगी का जो मटेरियल उसमें डलाएगा, जैसे कि क्या क्या डलाएगा, टमाटर है, प्याज है, मटर छिमनी है, सभी डलाएगा। तो देव उसका तैयारी कर रहा है और एकदम अच्छे से कर लिया है। ये रहा गाजर, टमाटर और प्याज और ये लहसुन। वाह क्या बात है, इतना अच्छा कटिंग कर लेता है तू। गाइस फाइनली चूल्हा तैयार है और चूल्हा के ऊपर कढ़ाई भी लग गई है और उसमें तेल भी डला गया है। अभी भी लेकिन धुआं बहुत निकल रहा है, स्मोक ही नहीं बन जाती। और गाइस यहाँ मेरी बैठी है प्यारी बहना मुन्नू, और मुन्नू अभी खा रही है बैर। कैसा नहीं लग रहा तुमको? मीठा लग रहा है, झूठ मत बोलो। कैसा लग रहा है तुमको? कैसा लग रहा है ना? मीठा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज डला गया है, अभी सारे मटेरियल्स डला रहे हैं मैगी के, उसके बाद मैगी को बॉईल करेंगे और फिर बनेगा मैगी। गरम इतना जल्दी थोड़ी ना होगा, अभी ऐसा गरम करेंगे खाने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएगा। और देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है मैगी। मैगी की बारी है अभी। दीदी भी आ गई है और पिकनिक में शामिल हो चुकी है और हम लोग का यहाँ मैगी बनने में प्रोसेस चल रहा है, मैगी बनने का। मुन्नू कहाँ है? मुन्नू आओ। तो कढ़ाई में मैगी डला चुका है और अभी इसमें पानी डालेंगे, फिर थोड़ा बॉईल होगा, फिर बनेगा मैगी कंप्लीट। लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये मैगी मसाला निकल रहा है, मैगी मसाला भी इसे ऊपर में डलाएगा। मुन्नू यहाँ पे बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही है। मुन्नू काम ऐसे ऐसे करो। मुन्नू इंस्ट्रक्शन दे रही है ना, कुछ नहीं आराम से बस फालतू बैठा ले। क्या मैगी तो लग रहा है हलवा बन रहा है। और पानी डालो यार, सॉस पानी डाल डाल के लग। फाइनली मैगी तैयार है और इस कढ़ाई में रखा हुआ है मैगी। अब हम लोग मैगी बटेगा और सबको ही खाएगा। मैगी बटना स्टार्ट हो गया है, सभी में बट रहे हैं मैगी। तुमको मिल गया ना प्रिंस? मुन्नू आ गई है, मुन्नू आ रही है। इतना मेहनत किया, कैसा है, कैसा बना? मस्त ना, आखिर देव का मेहनत है, मस्त तो बनना चाहिए। मुन्नू आ जा, मुन्नू ले लो मैगी, एक और प्लेट आएगी कैसे, दो प्लेट और वहां। मेरा भी मैगी, चलिए इसे खाते हैं। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खा के बताते हैं आप सबको। क्या रे प्रिंस, कैसा बना? टेस्टी। देव कैसा बना? मुन्नू कैसा बना? टेस्टी। वीरू कैसा बना है? खा के देखो, जल्दी जल्दी खाओ यार, खाओ धीरे, बिट्टू जल्दी खाओ। इस फाइनली मैगी खा लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था और हम सब अभी खा ही रहे हैं, हम खा लिए और मज़ा आया। आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा। बच्चा पार्टी अभी भी खा रहे हैं। इसी के साथ बच्चा पार्टी यहीं पे समाप्त होता है हम लोग का आज का मैगी पार्टी।
गाइस देख सकते हो बैर थोड़ा थोड़ा लगा पका हुआ, तो बैर झाड़ने जा रहा हूँ मैं। देखो बैर गिरा ये पेड़ से, और भी है, और कहाँ गिरा, और इधर गिरा, तो तीन मिला मुझे, एक और थकी। एक ये अली दीदी को देखिए, आराम से झूला झूल रही है और साथ में गाना भी गा रही है। द बेस्ट फीलिंग द वर्ल्ड, झूला झूलते समय गाना गाओगे बहुत मज़ा आता है। तो गाइस बैर खा रहा हूँ अपना पेड़ का देव। तो हम लोग जा रहे हैं पिकनिक, मैगी पार्टी तो मना। गाइस हम सब खेलने वाले हैं अभी कोना कोनी। आप सब पता नहीं सुने हो कि नहीं, हम लोग सभी एक एक पेड़ पकड़ लिए हैं और सभी एक एक पेड़ में है, और मैं बच गया तो चोर। अब मैं मुझे ढूंढना है कौन सा पेड़ खाली रहेगा। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करो। अरे रे 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 बच गए, मुझे एक पेड़ मिल गया, यानी कि वे चोर कोई और बन गया। चेंज करो, फास्ट करो गेम, फास्ट। अरे 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 मजा आ गया। इसी तरह देखो, इसी तरह एक्सचेंज करेगा तभी मजा आएगा। दूसरा का जगह दूसरा कोई लूट लो, बड़ा मजा आएगा बिना बताए। देव जाओ जाओ उसमें, कम ऑन फास्ट। बार बनी है डॉली दीदी चोर, देखते हैं जगह मिलता है कि नहीं। मिल गया बहुत जल्दी। फाइनली कोना कोनी खेल लिए। अगर ये सब गेम आपको पता है कौन सा गेम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब हम लोग खेलने जा रहे हैं कबड्डी, तो ब्लॉग पे बने रहे हैं साथ। और अभी गर्मा गर्म समोसा लेके आए, और ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और उसके साथ है चटनी। आप देख सकते हो अभी हम लोग सभी यहाँ बैठ के खा रहे हैं। पोते कैसा है? प्रिंस, छोटी, पायल, हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं। डॉली दीदी है, डॉली दीदी अभी जीजू को थोड़ा मिस कर रही है। और बिट्टू कहाँ गया, जल्दी आओ। देव दूध लेके आया, और साथ में आए हैं वीरू। तो वीरू दोनों का समोसा, तुम लोग दोनों का समोसा रखा हुआ है, एक एक पीस ले लो और चटनी भी ले लो। चटनी अगर खाते हो तो थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गॉसिप चल रहा है, गॉसिप। मुझे पता नहीं कि आप सब ने मुझे इंस्टा पे अब तक फॉलो किया है या नहीं किया। अगर फॉलो करना चाहते हो तो चैनल, जो चैनल का नाम है उसी नाम से आप इंस्टा में सर्च करोगे, स्नेहल ब्लॉग्स, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइज अभी अभी मैंने एक वहाँ पे पोस्ट डाला इंस्टा पे, बहुत ट्रेंडिंग है वो पोस्ट, मतलब जो भी उसमें डाल रहे हैं अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं कितने सारे ऐसे पोस्ट मैंने ट्राई किया है कि जो ट्रेंडिंग में होते हैं मैं डालता हूँ, फिर भी वो वायरल नहीं होता, चाहे वो इंस्टा हो चाहे ये यूट्यूब। तो अब इससे तो मुझे यही लगता है कि शायद किस्मत ख़राब है, लेकिन हमारे बस में किस्मत और मेहनत में, हमारे पास मेहनत हमारे बस में होता है। अब मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और ना ही कभी हार मानने वाला हूँ। मैं और भी मेहनत करूँगा, और भी ज़्यादा कोशिश करूँगा। किस्मत और मेहनत की लड़ाई में गाइस, मेहनत हमारे बस में है, किस्मत हमारे बस में नहीं है। तो फिर भी मेहनत हमारे बस में है, तो हम जितना मुझसे ज़्यादा मेहनत होगा मैं मेहनत करूँगा। और गाइस अगर आप सभी चाहते हो कि मेरा ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू रहे, तो आप सबको भी एक सपोर्ट करना है मेरे लिए। वो करना क्या है, वो क्या कौन सा सपोर्ट है, मैं बता देता हूँ आप सबको। मेरा वीडियो एवरी डे पहले 8 बजे आता था, अभी 11 बजे मैं कर दिया हूँ टाइमिंग। तो 11 बजे जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, तो उसके बाद आप जब भी वीडियो देखते हो तो उसको अगर मान लीजिए सपोज डैट की अगर वो 10 मिनट का वीडियो है, तो 10 मिनट आपको फुल वॉच टाइम करना है। क्योंकि अगर सपोर्ट सिर्फ लाइक से नहीं होता, आपको आप उस वीडियो में कितने देर रुक रहे हो इसका वैल्यू है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऐसे में से अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर भी अगर मेरे किसी भी एक वीडियो को वॉच 10 out of 10 minutes, अगर 10 मिनट का वीडियो और 10 मिनट 50 लोग भी ऐसे अगर देख लेते हैं,
देन उस वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो गाइज मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन अगर वीडियो का अच्छा होगा तो यूट्यूब खुद उस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अगर आप सब चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करना और देखना चाहते हो हमेशा ब्लॉगिंग, और आप सब चाहते हो कि मैं और भी आगे बढ़ूँ, तो गाइज़ प्लीज़ इतना हेल्प तो प्लीज़ और इतना सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैं मेहनत करने से कभी नहीं पीछे हटूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा, ये मेरा खुद से किया हुआ प्रॉमिस है। तो ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आप सब प्लीज़ जितना जैसे मैं बोला हूँ, अगर आप एक बार भी मेरा इस बात पे ध्यान दे के अगर आप सारे वीडियोस में ध्यान देने लगोगे ना, तो वो एक ना एक दिन ना वायरल ज़रूर होगा। रात के बज गए 9 और अभी डिनर का टाइम हो गया, डिनर कर रहे हैं और डिनर में है पनीर चिली और रोटी। तो गाइस फाइनली डिनर कर लिया, सभी को मज़ा आया होगा आज का ब्लॉग देख के, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।